Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. आप जाके देखो पूरे भीलवाड़े के चौथरों भी इंडस्ट्रीज के सारा पानी जो निकलता है ना, जहरीला पानी, सारी नदियां गंदी हो रही है। ना तो कोई आदमी पीता है, ना कोई जानवर पीता है, ना खेती होती है। जाम लगा रहता है और आने जाने में बहुत परेशानी आती है। वो जो भी गवर्नमेंट आएगी, अगर ये समस्या हल हो जाएगी तो उसके लिए भीलवाड़ा आभारी रहेगा। राजस्थान की 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भीलवाड़ा की है, जहां का चुनाव माना जा रहा है कि बेहद दिलचस्प रह सकता है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस ने डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको टिकट दी है और उनके सामने भाजपा के दामोदर अग्रवाल उम्मीदवार हैं। किस प्रकार से चुनाव होगा और क्या 2014 और 2019 में जिस तरह से भीलवाड़ा की लोकसभा सीट कांग्रेस ने हारी थी, क्या 2024 में भी कांग्रेस हारेगी या परिणाम कुछ अलग होगा? हमारे साथ बात करने के लिए भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध जन हैं जो कि यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामजस। ये बताएं कि भीलवाड़ा में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी की स्थिति मजबूत है या नहीं? नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है कि यहाँ बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के 6-7 विधायक सब मतलब बीजेपी के हैं और बीजेपी के विधानसभा में 7 विधायक बीजेपी के हैं और यहाँ की जनता मतलब बीजेपी को चाहते हैं। दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी बहुत काबिल है। सर, इन्होंने कहा कि बीजेपी का गढ़ है, पर यहाँ पर माना जाता है कि चंबल नदी का जो पानी है वो सीपी जोशी की वजह से आया है। क्या आपको लगता है चुनाव पर असर पड़ेगा? सभी एमएलए सभी एमपी ने इसमें मदद दी है, देवेंद्र सिंह जी से लेकर के जितने भी रहे सबका सहयोग था इसके अंदर, कोई अकेले एक सीपी जोशी का नहीं था। उनका प्लान था, जो प्लान कर दिया अपन कार्य रूप में परिणित तो इम्प्लीमेंट तो दूसरों ने किया। अभी भी सो कोलानिया भीलवाड़ा की ऐसी है जहाँ चंबल का पानी नहीं पहुंचा। तो एक समय ऐसा था कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा डॉक्टर सीपी जोशी को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जाता था कांग्रेस की तरफ से। क्या आपको लगता है कि उस समय से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है? क्या डॉक्टर सीपी जोशी अब भी कद्दावर नेता माने जाते हैं भीलवाड़ा के और राजस्थान के या नहीं? राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता जरूर है, लेकिन भीलवाड़ा में कद्दावर नेता नहीं मानते हैं। ये बताएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो चुनाव होने वाला है भीलवाड़ा में, क्या मुख्य मुद्दे हैं भीलवाड़ा के? क्योंकि आप मुद्दा तो यहाँ ओवर ब्रिज का है, ओवर ब्रिज में ऐसी बहुत भारी समस्या है, जाम लगा रहता है और आने जाने में बहुत परेशानी आती है। वो जो भी गवर्नमेंट आएगी, अगर ये समस्या हल हो जाएगी तो उसके लिए भीलवाड़ा आभारी रहेगा। ओवर ब्रिज क्या अकेला ऐसा मुद्दा है आपके हिसाब से जो कि बाकी सारे मुद्दों को ढक दे? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या यहाँ पर पानी की समस्या नहीं है? पानी की समस्या नहीं है, बेरोजगारी भी कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं है। ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है इसके ब्रिज को लेकर के, और ये भारी समस्या है भीलवाड़ा के लिए। आप कितने सालों से भीलवाड़ा में? मेरे को 30 साल हो गए। भीलवाड़ा को आपने किस तरह से ग्रो होते हुए देखा है, क्या कुछ देखा है आपने? बहुत बढ़िया रहा, इसका विकास तो बहुत बढ़िया हुआ। टेक्सटाइल मार्केट है पूरा, टेक्सटाइल हब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टेक्सटाइल हब आपने कहा, बिल्कुल राजस्थान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भीलवाड़ा में है, पर क्या ऐसा कहा जाता है, कई मैंने फैक्ट्री ओनर से बात की, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने यहां पर पीएम मित्र पार्क आ सकता था, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल हब बन सकता था, टेक्सटाइल पार्क बन सकता था। उन्होंने कहा नहीं बना क्योंकि अशोक गहलोत ने जोधपुर का नाम आगे किया, वहां पर पी मित्र पार्क बनाने की उन्होंने कोशिश की, पर वहां पर भी नहीं बना, भीलवाड़ा में भी नहीं बना। क्या आपको लगता है कि भेदभावपूर्ण रवैया रहा है? भेदभावपूर्ण रवैया रहा, टेक्सटाइल हब तो यहाँ है तो यहाँ बनना चाहिए ना, यहाँ बनेगा जब तो टेक्सटाइल हब सहायता मिलेगी। सर, क्या जोधपुर में तो कुछ ऐसा है नहीं टेक्सटाइल का ज्यादा। सर, आपका क्या नाम है? आनंद प्रकाश गोयल। आनंद जी, आप भी क्या मानते हैं कि ओवरब्रिज का ही सबसे बड़ा मुद्दा है या आपके अलावा कोई जमीनी मुद्दे हैं
जिनकी वजह से बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, क्या भीलवाड़ा में? संपूर्ण राजस्थान में भीलवाड़ा का प्रॉपर रहने वाला नहीं। एक बात, संपूर्ण राजस्थान की बात करेंगे ना, अनेक अनेक कई मुद्दे हैं। ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, रात्रि में किसानों को बिजली देना। या आप रहने वाले कहाँ? मैं रूपबाग डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर कब से है भीलवाड़ा? भीलवाड़ा में बहुत मुश्किल मेरे को एक महीना हुआ होगा। अच्छा, एक महीना हुआ। और ये बताएं कि आपने क्या कुछ आपके हिसाब से एक महीने में फील किया है भीलवाड़ा को लेकर? क्या आपको लगता है यहाँ पर कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? 2014 और 2019 में हारी है चुनाव यहाँ पे लोकसभा का, क्या 2024 में टक्कर दे पाएगी? मेरे को यही नहीं पता पॉपुलेशन कितनी है, कौन कितना वोट है, मैं कैसे कह दूं कि कौन जीता है? टक्कर तो है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, कुछ कह नहीं सकते भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन है तो टक्कर। कांग्रेस की जो अंदर खाने से बात निकल कर आ रही थी, उसके बारे में क्या कहना आपको? एक आपसे सवाल मैं जानना चाहूंगा। एरिया है, आप जाके देखो, पूरे भीलवाड़े के चौथ भी इंडस्ट्रीज के सारा पानी जो निकलता है ना, जहरीला पानी, सारी नदियां गंदी हो रही है ना, तो कोई आदमी पीता है ना, कोई जानवर पीता है ना, खेती होती है। ये अहम मुद्दा इन्होंने कहा है ना, जिसकी अदनी ठेठ वहां तक आपके यहाँ बांध बंधा हुआ देवली के पास, उस बांध तक पानी में गंदगी चली गई। ये देख लो आप सारे कुएं खराब हो गए, कहाँ से पानी पियो? हाल फिलहाल की बात होगी नहीं है, सालों से ऐसा अगर माहौल रहा होगा, लेकिन कोई नहीं रोक रहा है, इनको रोकना चाहिए ना। पिछले 10 साल से कम से कम, हर साल 5-10 फैक्ट्री अलग लगती है। तो 2014 से लेकर सर अब तक यहाँ पर बीजेपी सत्ता में, बीजेपी पावर में रही है, इन द सेंस के सांसद रहा है उनका, तो क्या आपको लगता है कि उस दौरान काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए? नहीं हुआ। बीजेपी की कमी मानते हैं? बीजेपी की कमी बिल्कुल है। कमी क्या, प्रत्याशी की कमी है। प्रत्याशी मतलब बोलने वाला नहीं था, मतलब कहते हैं जो बोलता जिसकी सब। कांग्रेस ने भी क्या ये मुद्दा ठीक से उठाया है जो उन्होंने कहा कि जो कोई ना उठाया? कांग्रेस वाला तो उल्लड़ कर लेता, 1000-1500 रुपए दे देते इनको बसने वालों को, और वो घर बैठ जाते बस। सर एक ये भीलवाड़ा की जो सीट है, पहले जयपुर शहर से सुनील शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दी थी, पर बाद में वो टिकट ले ली गई, कॉन्ट्रोवर्सी हुई जयपुर डायलॉग्स को लेकर, और फिर कहा गया कि कांग्रेस में अंदर खाने से बात निकल कर आई कि पार्टी के तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी इसलिए हो सकती है कि किसी ब्राह्मण के पास टिकट नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी को टिकट दी गई। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर जोशी खुद ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, फिर भी उनको टिकट दी गई? आपने वो जीत नश्क आपको लगता नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। दामोदर अग्रवाल आपको लग रहा है कि मजबूत जवान लड़का है, कार्यकर्ता है, बढ़िया है कि व्यापारी है, सब तरह से फिट है, आरएसएस का आदमी है कि ना? सब जगह लड़के भी यहाँ पर हैं, भीलवाड़ा के इस पार्क में यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। कितने साल के हो? जी अभी तो मैं 18 साल का हूँ। वोट डालोगे इस बार? जी इस बार देंगे वोट। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? लग रहा है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी के उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल? जी देखिए, भीलवाड़ा में देखा जाए तो मतलब सीपी जोशी जो अपने आप में एक बड़ा नाम तो है वैसे, लेकिन जो बीजेपी की जो उम्मीदवार यहाँ से है दामोदर जी अग्रवाल, और मोदी लहर के चलते हुए और पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखे तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, लेकिन पूर्णतया जीत जो है दामोदर जी की होगी। मुद्दे क्या है? आप यंग लड़के हो, 18 साल के हो, पहली बार वोट आप कह रहे हो कि आप डालोगे, तो ये बताओ कि सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? सबसे बड़े देखिए सर, जैसे अभी यहाँ पे आसपास में, जैसे मैं मांडल से आता हूँ बेसिकली, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तहसील है, लेकिन वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अभी यहाँ पे आना पड़ता है, और यहाँ पर भी बहुत सारी फैसिलिटीज की कमी है, तो हम ये चाहेंगे कि मतलब MLV जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें बहुत सारे सुधार किए जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्टाफ को बढ़ाया जाए, और जो खेल है तो यहाँ पर मतलब MLV कॉलेज शहरों के बीचों बीच है, और बहुत सारी जमीन जो उसके पास है तो उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में मतलब विकसित किया जाए। पढ़ाई कर रहे हो आप? जी। क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी BA फर्स्ट ईयर में हूँ, और 8 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर मेरे सब्जेक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में इनको लगता है कि विकास और विकास होना चाहिए। जिनसे पहले बात हो रही थी उन्होंने कहा कि नाले जो हैं, जो नदियां जो हैं वो गंदी हो गई हैं, पानी के जो स्रोत हैं वो गंदे हो गए हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां से जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से
वो ट्रीटेड नहीं होता ठीक से, जिसकी वजह से पानी के स्रोत गंदे हो गए। कुछ कहना चाह रहे थे जी सर, यहाँ पर जो अभी जैसे आप मांडल चौराहे के पास जो अभी नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, तो मांडल चौराहे के पास बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह, और यह जो मतलब भिलवाड़ा अपने आप में टेक्सटाइल सिटी तो है, विकास तो हो रहा है, लेकिन जो प्राकृतिक सोर्स जो है वो बहुत सारे गंदे हो रहे हैं, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है सर। उन पर आपके हिसाब से तो अगर 2014 से लेके अब तक बीजेपी की यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहा है, तो क्या आपको लगता है ये विफलता रही है बीजेपी की कि यहाँ पर पानी के जो अलग से बाकी क्षेत्रों में खूब विकास हुआ, जैसे आप परिवहन को देख लें, सड़कों को देख लें, तो हमें आने से यहाँ पे बहुत टाइम लगता था, तो जैसे अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर आप देखें तो उसको भिलवाड़ा से जोड़ दिया गया है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हमारे लिए। और आपके हिसाब से ये जो पानी के स्रोत नदी होगी वो खराब गंदी हुई है, इसका उस पर वो आपके हिसाब से स्वच्छता पे ध्यान देने की जरूरत है, और प्राकृतिक जो सोर्स है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सर आप कुछ कहना चाह रहे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भिलवाड़ा बीजेपी का गढ़, भिलवाड़ा फुल बीजेपी की जीती, बड़े बड़े मार्जिन से जीतेगी, बड़े मार्जिन पूरा जल्लम। वोट किसके नाम पे बीजेपी, मोदी के नाम पर मांगेगी क्या, मंदिर के नाम पर मांगेगी? खास तो मोदी का नाम, मोदी का नाम पे जीतनी, पूरी राजस्थान जीती मोदी जी का नाम पर, मामूली बात थोड़ी, 25 सीट बराबर आएगा बीजेपी की। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? तो ये तमाम जो लोग हैं इनका कहना था कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो मोदी के नाम पर, कोई भी इलावड़ा नहीं, बहुत काम करिए, बहुत कांग्रेस एक भी नहीं जीतेगी आपके, एक भी नहीं जीतेगा कांग्रेस। तो आपने सुना तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर, इनका मानना है कि डॉक्टर सीपी जोशी जो हैं वो एक नॉन व्यक्ति रहे हैं, पर जो दावेदारी है वो जितने भी लोगों से बात की यहाँ पे उनके हिसाब से दामोदर अग्रवाल की मजबूत है, और कई लोगों का कहना था कि डॉक्टर सीपी जोशी नेता नाम सब जानते हैं, पर जिस प्रकार से बीजेपी का इनके हिसाब से चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर लड़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने वाला है इनके हिसाब से। और जो चुनाव है, सीपी जोशी जिन सर्कमस्टांसेस में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले मजबूत नहीं लग रही है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, भीलवाड़ा।